1 जून को सातवें चरण में 3 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। राजमहल, गुड्डा और दुमका में प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रही है। राजमहल, गोड्डा और दुमका में चुनाव प्रचार शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना चुनाव आयोग की अनुमति के उन लोकसभा क्षेत्रों में नहीं रह सकता। इन सभी क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सारी तैयारियां कर ली हैं। गर्मी का ध्यान रखते हुए उसका सभी बेसिक फैसिलिटी है वो करने के निर्देश दिया हुआ है उसको, वो भी इसी बार वो पूरा तरफ से हम लोग कर लें। फोर्स का कितना भी डिप्लॉयमेंट आवश्यक पड़ती है, सिक्योरिटी वो सभी जगह पर डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हम लोग का कितना भी क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाइड है वहाँ पर CAPF दिया हुआ है। अदर एरिया में भी हम लोग का CAPF का डिप्लॉय किया हुआ उसको, इसे सिक्योरिटी दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं। सभी जगह पर वो QRT का भी व्यवस्था किया हुआ है, वो भी अपने कहाँ पर भी दिक्कत होगी मतलब वहाँ जाने के लिए तैयार लाइन पर रहेगी, वो भी कुछ जहाँ पर बाइक में भी रहेगी, इसलिए 10 मिनट तक कहाँ तक भी आवश्यकता है वहाँ पर फोर्स जाएगी। यदि इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी, मतदाता बूथ और मतदान कर्मियों की बात करें तो आंकड़े कुछ इस प्रकार आएंगे। राजमहल में 14 प्रत्याशी हैं, जिनमें 3 महिला और 11 पुरुष हैं। दुमका में 19 प्रत्याशी हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 15 पुरुष हैं। गुड्डा में 19 प्रत्याशी हैं, जिनमें 1 महिला और 18 पुरुष हैं। तीनों संसदीय क्षेत्रों में 53,23,000 मतदाता हैं। 6,258 बूथ, 241 महिला बूथ, 7 दिव्यांगों के लिए बूथ। चुनाव आयोग के अनुसार तीनों संसदीय क्षेत्र को नक्सल फ्री मानकर व्यवस्था की गई है। दुमका के कुछ क्षेत्रों में पूर्व में नक्सली घटनाएं घटी थी, लेकिन अब नक्सल प्रभाव खत्म हो चुका है। तीनों पर वर्तमान का क्लासिफिकेशन में नक्सल प्रभावित नहीं है। पहले पूर्व में कुछ एरिया था नक्सल प्रभावित था, उसमें कुछ पुराना नक्सल था, वो अभी वो बेल में आ गया, बाहर आ गया। उसी का सभी दृष्टिकोण से देखते हुए कुछ बूथ का सिक्योरिटी कितना व्यवस्था करना सब किया हुआ है। केवल दुमका में 3 बूथ का रिलोकेशन किया हुआ, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखते हुए 3 बूथ का रिलोकेशन किया हुआ। सभी पोलिंग पार्टी है वो P-1 में, वो कल डिस्पैच होंगे उस तरफ से, P-Day में आपका पोलिंग डे में शाम को वापस आ जाएंगे। फिलहाल तीनों संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। अधिकतर बाहरी लोगों ने क्षेत्र को खाली कर दिया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दुमका से हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ा है, सीधा उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, देखिए झारखंड में 1 जून को 7वें चरण में 3 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। राजमहल, गुड्डा और दुमका में प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। क्या कुछ जो है फिलहाल तैयारी अब तक, क्योंकि कल मतदान होने वाला है और कल आखिरी दिन रहेगा मतदान का, उसके बाद जो है नतीजे देखने को मिलेंगे, कैसा नजारा और मौसम का क्या हालचाल है वहां पर? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मौसम के हालचाल जाने तो लगातार राजनीतिक गर्माहट और मौसम की गर्माहट के बाद, तपिश के बाद कल देर रात से दुमका में बारिश हो रही है और यह बारिश लगातार जारी है, जिससे लोगों को तो राहत मिली है चुनाव प्रचार थमने के बाद से। लेकिन कल ये बारिश ना हो ऐसे सभी कामना कर रहे हैं, ताकि वोटर जो है राहत की सांस लें और सुबह 7 बजे से लेकर देर शाम 5 बजे तक जो मतदान का समय है उस समय लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। न्यूज 11 भी संथाल के सभी लोगों से अपील कर रहा है। बहरहाल बात कीजिएगा संथाल परगना की, तो कुल अगर तीनों लोकसभा को अगर आप मिला के देखते हैं परिस्थितियां, चाहे वो राजमहल हो, गोड्डा हो, दुमका हो, कुल 52 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन अगर हम दुमका की बात करें,
झारखंड की उप राजधानी है दुमका, यहाँ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से नलिन सोरेन 7 बार के विधायक हैं, वो इस बार प्रत्याशी हैं सांसद के रूप में। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कुछ ही दिन पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा में 15 साल विधायक रहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तो एकदम सीधा मुकाबला है और नजदीकी मुकाबला है दोनों प्रत्याशियों के। राज संथाल में और दुमका की बात करें तो कुल जो वोटरों की संख्या है वो 15,91,000 के आसपास है। वहीं अगर आप देखेंगे इस और गोड्डा की बात कर लें या राजमहल की बात कर लें, तो सारी और जो तीनों लोकसभा क्षेत्र है उसमें तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार प्रशासन जो है वो एक एक चीज़ों पर बारीकियों से नज़र बनाए हुए है। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, चूँकि संथाल का कई जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका है, कई सीमाएं जो हैं वो बंगाल से लगती हैं, इसे लेकर कई अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, केंद्रीय एजेंसियों की कंपनियां, झारखंड जगुआर हो या कुबरा हो और स्पेशल ब्रांच, कई सारी टीमों को संथाल में लगाया गया है ताकि सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना रहे। लगातार चूंकि आज बारिश हो रहा है सुबह से, निश्चित तौर से थोड़ी परेशानी है डिस्पैच सेंटर तक लोगों को पहुंचाने के लिए, लेकिन ये प्रक्रिया कल ही शुरू कर दी गई थी। साथ ही साथ इस बार जो बूथ हैं, अलग अलग बूथ, उन सारे बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि नज़र जो है यहाँ कंट्रोल रूम से रखा जा सके, बूथ के अंदर भी और बूथ के बाहर भी कहीं से कोई गड़बड़ी हो तो जो अधिकारी, जो मॉनिटरिंग टीम यहाँ बैठी हुई है वो डायरेक्ट वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत हो सके, इसलिए सारे बूथों को CCTV से लैस कर दिया गया है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था हमने इस बार चुनाव में देखी और ये व्यवस्था काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था थी, प्रशासन की तैयारी थी। पुलिस कप्तान जो हैं दुमका के, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई परेशानी ना हो। उपायुक्त दिन रात लगे हुए हैं ताकि सही तरीके से डिस्पैच सेंटरों तक मतदान कर्मियों को पहुंचाया जा सके और फिर कल देर शाम जब मतदान संपन्न हो जाए तो उन्हें ले आया जा सके वापस जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पे अपने EVM सील कर सके। ROP लगाई गई है हर सड़क पर, रोड ओपनिंग पार्टी, ताकि जिस तरीके से यह इलाका, चाहे आप शिकारी पाड़ा के बॉर्डरिंग इलाकों को ले लीजिए या फिर संथाल के अन्य इलाकों को ले लीजिए, जो इलाके पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे हैं उन इलाकों में प्रशासन व पुलिस किसी भी तरीके का रिस्क नहीं चाहती है। वहीं प्रशासन ने और पुलिस ने यह अपील की है कि आप भय मुक्त वातावरण में जाकर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचें और वोट करें और अपनी जिम्मेवारी पूरी करें। पुलिस ने पूरी मुकम्मल और चाक चौबंद व्यवस्था की है। वहीं राजनीतिक दलों की अगर आप बात करेंगे तो कल प्रचार थमा है, ऐसे में सारे राजनीतिक दलों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन है, वो उन्होंने संथाल में अपना खूब पसीना बहाया है और संथाल में यह मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है लगातार संथाल गढ़ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इस गढ़ को बचाने के लिए जनता सामने आए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से आप बात कर लीजिए, बाबूलाल मरांडी ने कैंप किया हुआ है लगातार दुमका में, उसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे छत्तीसगढ़ के CM हो या मध्य प्रदेश के CM हो, JP नड्डा का भी कार्यक्रम हुआ, देश के PM मोदी का भी कार्यक्रम हुआ संथाल में, साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं का कार्यक्रम जो है संथाल में आयोजित था। तो चाहे वो इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इसलिए भी अनुष्का की कहा जाता है कि झारखंड का सत्ता का रास्ता जो है वो संथाल से तय होता है। कुल संथाल में 18 विधानसभा हैं और ये 18 विधानसभा कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं और
इन 18 विधानसभाओं से झारखंड की सत्ता की चाबी जो है वो खुलती है। तो निश्चित तौर से संथाल पे सभी की नजर है। पिछले बार श्रीकांत, देखिए कल का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि देखिए आखिरी जो है कल मतदान का दिन है, और इस सरगर्मी जो बड़ी हुई थी राजनीति की, और इधर खासकर मौसम की भी गर्मी बड़ी हुई थी, इस बीच ये बारिश देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि ठंडक जो है मौसम बढ़ गई है, और लोगों को जो है राहत मिली की गर्मी से, तो इस वजह से आज के इस बारिश से हो सकता है कल मौसम अच्छा रहे तो वोटर्स जो है सही टाइम पे मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दे सकते हैं। तो ये बारिश एक तरह से बोल सकते हैं अच्छे संदेश है वोटरों के लिए कि वो गर्मी से बचे, गर्मी से जो है उन्हें राहत मिली है और कल जाके वो वोट दे पाएंगे, मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत फिलहाल तमाम जानकारियां देने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। इधर हम बात करते हैं हमारे सहयोगी मनोज से जो साहिबगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ जो है फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है, कल जो है मतदान है राजमहल गोड्डा और दुमका सीट को लेकर, क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं, मौसम का क्या कुछ मिजाज है, पोलिंग पार्टियां जो है मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रही है, क्या कुछ जो है फिलहाल अपडेट? देखिए निश्चित तौर पे अगर राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 2020 बूथ है, और 2020 बूथ के लिए जो पोलिंग पार्टी है उसे रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कुछ पोलिंग पार्टी को कल रवाना कर दिया गया था, और जहां तक हम कहें कि क्रिटिकल बूथ, हालांकि पहले संवेदनशील और अति संवेदनशील हुआ करता था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस बार उसका नाम चेंज करके क्रिटिकल बूथ कर दिया है। तो इस कैंचुएंसी में, यानी राजमहल कैंचुएंसी में 786 क्रिटिकल बूथ है और 14 जो है अति क्रिटिकल बूथ है। तो इन बूथों पर विशेष पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। साथ ही सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और पानी की व्यवस्था की गई है। हालांकि गर्मी था, लेकिन आज जो है मौसम सुहाना हुआ है, रिमझिम बारिश हो रही है, बूंदा बूंदी बारिश चल रही हो रही है, और आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और हवा भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था गर्मी, अब वो गर्मी और एक राजनीतिक गर्मी, दोनों तपती गर्मी के बीच अब लोगों ने राहत जरूर ली है, क्योंकि एक तरफ चुनाव प्रचार कल थमा और आज लोग राहत लेंगे और कल अहले सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं या जो प्रत्याशी हैं वो अपनी ताकत अभी भी लगाए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है और साथ साथ बूथ मैनेज करने में लगे हैं, क्योंकि बूथ मैनेज करना सबसे बड़ी बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। श्रीकांत आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, और फिर से जो है हम हमारे सहयोगी श्रीकांत और मनोज के साथ जुड़ते हैं। फिलहाल मनोज का रुख करते हैं। मनोज, क्या कुछ जो है तैयारियां की गई है कल के मतदान को लेकर, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी है, और जितने भी मतदान कर्मी वहां पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग या बहुत से ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो असमर्थ होते हैं चलने में, लेकिन फिर भी वोट करने, अपना मतदान करने जो है, मताधिकार का प्रयोग करने वहां पहुंचते हैं, क्या कुछ जो है वहां पर सुविधा उनके लिए प्रोवाइड करवाई गई है वहां पर, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? देखिए देखिए निश्चित तौर पे जिला निर्वाचन पदाधिकारी से हमने कल बात की थी, हेमंत कुमार थे। हेमंत जी ने साफ तौर पे कहा कि जो इनके कैंचुएंसी में है, जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जितने भी मतदान करने वाले लोग हैं वो 100% मतदान करें, और जो दिव्यांग है उनके घर तक जाएगी उसकी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही बूथ पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है, यानी 144 लगा दिया गया है ताकि बूथ के आसपास 100 मीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति, वैसे जो जिनको वोट नहीं देना है या उनके पास में वोट कार्ड नहीं है या आधार कार्ड भी अगर उनके पास में है तो वो वोट कर सकते हैं। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है या उनके पास में वोटर आई कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, उनके पास आधार कार्ड है, वो जाकर दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वैसे जगह पे जो एकदम बिहड़ इलाका है, जो पहाड़िया क्षेत्र है और आदिम जनजाति के लोग हैं जहां पहाड़ पे रहते हैं, उनको पहाड़ से नीचे लाने और उसके बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मुकम्मल कर ली है। साथ ही जो क्रिटिकल बूथ है, अति क्रिटिकल बूथ, वहां पर सेना के जवान को तैनात कर दिया गया है, एक दिन पहले ही जवान को तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ और रैप के जवान जो है
वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला पुलिस बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी वहां पर फोर्स को भी लगाया गया है। तो सीधे तौर पे कहें कि जो चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान हो, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टी को रवाना करने की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गया है। हालांकि कुछ पोलिंग पार्टी जो अति क्रिटिकल बूथ के लिए थे उन्हें कल रवाना कर दिया गया। जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़िया जाति के हैं, आदिम जनजाति के हैं, जो विलुप्त होती हुई जातियां हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनको सही से उनको पानी मिले और साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और साथ साथ वैसे बूथ जो ऐसा लगता है कि जिस बूथ पर अब तक वोट बहुत कम पड़ा है, वैसे बूथ को भी चिन्हित किया गया है। जो 17 बूथ है जहां पे पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम था, उसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर बिल्कुल मनोज, और देखिए जिस तरीके से व्यवस्था करवाई गई है वोटर लोग को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर वोटर लोग के मन में भी जागरूकता फैलेगी कि जाकर है मतदान केंद्र पर जो है मतदान अपना दे, ताकि ये जो सुविधा दी गई है उन लोगों को उसका वो इस्तेमाल करे और मतदान का जो है मतदान केंद्र पर जाके जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियां देने के लिए। श्रीकांत आप बने रहिए हमारे साथ, यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आपके साथ जुड़ते हैं। फिर से हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत का, जो कि दुमका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत देखिए, एक तरफ सीता सोरेन है, दूसरी तरफ नलिन सोरेन है दुमका की सीट से, कैसी हवा जो है वहां देखने को मिल रही है, जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्ड मिल रहा है? हवा की बात करेंगे आप तो हवा राजनीतिक हवाओं में सरगर्मी है और लगातार तीखे बयानों का हमला हुआ है। यहां पर सत्ता पक्ष एनडीए की बात कर लें आप या इंडिया अलायंस की बात कर लें, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यहाँ पर लड़ाई जो है वो सीधी तौर पर है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो दुमका उपराजधानी है और ऐसा कहा जाता रहा है सदियों से, क्षमा चाहूंगा, ऐसा कहा जाता रहा है लगातार कि दुमका जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। खुद अगर आप सोरेन परिवार का ही हम आपको एक बार छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाएं तो खुद गुरु जी यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संथाल से ही विधायक रहे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं बसंत सोरेन वो यहाँ से रहे, पूर्व में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रही सीता सोरेन वो यहाँ से रही, तो पूरा जो परिवार है वो संथाल की राजनीति करता है। तो ऐसे में सोरेन परिवार के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की सीट हो गई है और इसी को लेकर कल्पना सोरेन लगातार जो कि स्टार प्रचारक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उन्होंने अपना पूरा समय संथाल को दिया है, दुमका सीट को दिया है। नवीन सोरेन जो बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, और देखिए एनडीए की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों तरफ से जो है ताकत जो है पूरी तरीके से झोंक दी गई है इस चुनाव को जीतने के लिए। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें होगी वो आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।